गुड आफ्टरनून आप सभी दोस्तों को, फिर से एक बार मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज भी कुछ चुनिंदा बातें दोस्तों आप सभी के बीच रख रहा हूँ। आज के न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, यंग एज के जो बच्चे हैं, जो 18 to 25 या 30 के एज में है, अक्सर ये गोल्डन पीरियड उनका जो है करियर को संवारने का वक्त रहता है, लेकिन बच्चे पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर। और करियर को संभालें किस तरह, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई कहता है कि RCM कर रहा हूँ, कोई कहता है कि TIC कर रहा हूँ, कोई कहता है कि MOA कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बिजनेस कर रहा हूँ, तो कोई तरह तरह की बातों को लेकर, कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर पर कुछ कर रहा है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर पर, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर की कमी नहीं है आज के डेट में, ठीक है। तो इन चुनिंदा जो प्रोफेशन होती है और वो इस तरह से लंबा चौड़ा लिफाफा खुद के सामने रख देता है कि मैं RCM के बदौलत अपना करियर को स्टैंड या बिल्ड अप कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके हमें इस तरह की इनकम जनरेट होगी, इतने BB बनेंगे, बिजनेस वॉल्यूम बनेगी, ठीक है। एक बार अगर मैं उस ऊँचाई तक मैं पहुँच जाता हूँ तो मुझे जो है ना रेवेन्यू या रॉयल्टी इनकम जिसको कहा जाता है वो नित प्रतिदिन वो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सपना और ख्याली पुलाव जो देखते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी धोखे की बात है, ठीक है। जिस पीरियड में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, रिक्रूटमेंट या कंपटीशन के लिए फेस करनी चाहिए, उस गोल्डन पीरियड को आप चिलचिला के धूप में यहाँ वहाँ 5 लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, तो फलना ढकना यहाँ वहाँ जा कर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या होगा इससे। बाद में उन बच्चों से मैं जो पूछता हूँ, लड़कों से पूछता हूँ कि भाई तब अभी आप किस लेवल पर खड़े हैं, आपकी कितनी इनकम जनरेट हो रही है, तो कहता है कि हफ्ता दिन में 1500, तो हफ्ता दिन में 2000, मान लेते हैं कि महीना के आपका 20,000 हुआ, क्या कर लिए। आपका जो ठाट बाट जो मेंटेनेंस आप दुनिया वालों को दिखाते हैं, ठीक है, ब्लेजर कोट टाई, इसी के पीछे तो आपका 10,000 महीना का मेंटेनेंस में खर्चा हो जाता है। फ्रेंड सर्कल के साथ उठना पटना, अपने सीनियर, अपने जूनियर, अपने एडमिनिस्ट्रेटर, लेटर पटर करके घुमा फिरा करके, फिर आपकी जब इनकम को देखा जाता है कि 20,000 में आपको कितना मिला, तो पता चलता है आप 3,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। आज की डेट में क्या 3,000 रुपये कमाने वाले अपना निवाला तो खुद का जुगाड़ नहीं होगा, परिवार या पीठ पीछे किसको पालेंगे। और कहते हैं कि रॉयल्टी इनकम, रेवेन्यू इनकम, वो इमरान बन गया, उस इमरान बन गया, कुछ नहीं है। जो चुनिंदा लोग टॉप मोस्ट लेवल पे पहुँचे हुए हैं, वही लोग जो है ना उस टॉप मोस्ट लेवल तक में ही रहेंगे। आप सिर्फ अपने दिमाग में ख्याली पुलाव का तालाब बांधते रहिए कि हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा, है, इससे कुछ होने जाने का है नहीं। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब उम्र का पड़ाव खत्म हो जाएगा, तब आपके लिए सारे रिक्रूटमेंट का दरवाज़ा जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपना भविष्य को संवारने में लगिए, ना कि ख्याली पुलाव पालते रहिए। कभी कभी लोग ये भी सोचता है कि YouTube पे 2-4 वीडियो दे देंगे, वायरल हो जाएगा और हम YouTube का बादशाह बन जाएंगे, मेरे लिए लाखों का इनकम हो जाए, वो भी सपना गलत है, वो भी सपना गलत है। आपके बातों में आप उतना दम होनी चाहिए, आपके बातों में उतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि 5 लोग आपके बातों को देखेंगे, सुनेंगे या मोटिवेट होंगे आपसे। आपको तो ठीक से बोलने तक का लफ्ज नहीं आता है, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना बंगला, ना उर्दू, ना खड़िया, ना पंजाबी, कुछ नहीं। आप कहते हैं कि आपका वीडियो वायरल हो गया। और सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है ना, लोग सर्च मारते हैं कहाँ, यूट्यूब में लोगों को सर्च मार के देखते हैं, उनका इतना व्यूज है, उतना इतना सब्सक्राइबर है, इतना ये है, ये है, क्या फ़ायदा। उनको देख करके आप खुद और उनका व्यूज बढ़ा रहे हैं, उनके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली आपका डाटा और आटा ख़त्म कर रहे हैं, इससे कुछ होने जाने का है नहीं। इसीलिए दोस्तों अभी भी वक्त है कि कहीं ना कहीं किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड को फेस कीजिए, कहीं ना कहीं
चाहे वो ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने की कोशिश कीजिए, तभी आपका भविष्य संवर सकता है, अन्यथा जो है ना आपको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है। और कभी कभी लोग कहता है कि आजकल रिक्रूटमेंट होती क्या है। अरे रिक्रूटमेंट आप झारखंड में ही क्यों देख रहे हैं, ऑल ओवर स्टेट में, ऑफ तो 28 स्टेट है, कहीं भी जाइए, किसी भी जगह पे जाकर के आप 5% देता है, 2% देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए, कहीं ना कहीं तो आपके लिए लाइन खुली हुई है, उसके लिए तैयार कीजिए, खुद को बनाइए। आज जो भी चुनिंदा 10-5 लोग जो है ना रिक्रूटमेंट बोर्ड पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके तरह ख्याली पुलाव पालना छोड़ दिया है। ख्याली पुलाव, कागज की नाव भले ही देखने में सुंदर लगती है, लेकिन कागज की नाव पर सवारी नहीं हो सकती है, कागज की नाव में सवारी नहीं हो सकती है। मिट्टी का दिया भले ही रोशनी बहुत ज्यादा देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उसे पॉकेट में रख के जलाया नहीं जा सकता है। ठीक है। इसीलिए दोस्तों, इस गुमनामी के अंधेरे से बाहर आइए और अपने मेहनत पर अपने मुकद्दर को खड़ा करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में मेहनत कीजिए, लेकिन ये नेटवर्क फेटवर्क में कुछ होने जाने का है ही नहीं। ठीक है। आज जमशेदपुर, आज धनबाद, आज बोकारो, आज वहाँ सेमिनार, यहीं सुबह से शाम आपका होते जाएगा। ठीक है। और जब महीना के अंत में आपका कमीशन चार्ज जब निकल करके आएगा तो देखिएगा 300 रुपया मिल रहा है, 600 रुपया मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है। ठीक है। इससे कुछ होने जाने का है नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।